नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी, और वो है कान में पानी भरना या कान में दर्द। तो इसको आप तत्काल कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको घरेलू कुछ उपाय बताते हैं जिससे कि आपको तुरंत राहत मिलेगी और आप ठीक हो जाते हैं। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाना न भूलें जिससे कि जो नए आने वाले वीडियो हैं उनका अलर्ट मैसेज आपको मिलता रहे और आप नई नई प्रकार की इसी प्रकार की जो भी जानकारी हम अपलोड करते हैं उसका मैसेज आपको मिलता रहे। तो अब बताते हैं आपको, अगर आपके कान में पानी भर गया है तो आपको कैसे ठीक करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि स्नान करते समय या तैरते समय या बरसात में भीगने से कान में पानी भर जाता है। तो पूरा पानी जब हमारा नहीं निकलता है तो कानों में भारापन जैसा रहता है, सुनाई भी कम पड़ने लगती है। ऐसी जब शिकायत होती है तो हमें कान से कैसे पानी निकालना है उसका एक तरीका आपको बताते हैं। बहुत सरल तरीका है, जैसे कि किसी के कान में जिस साइड का पानी कान में भर गया है, तो आप उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे लेफ्ट कान में पानी भर गया है तो उसी ओर के एक पैर पर खड़े होकर के उसी ओर झुका करके कुछ देर कूदें, जिससे पानी आपका जो कान में गया है, भरा हुआ कान है, तो वो निकल जाता है। आप समझ गए, जिस कान में पानी भरा हुआ है उसी का एक पैर पर खड़े होना है आपको और उसी की ओर झुकना है, फिर आपको कूदना है। तो उस तरीके से करने से आपके कान में जो भी भरा हुआ पानी है दोस्तों को निकल जाता है। ये सरल आसान उपाय है। बाद में आप तेल भी डाल सकते हैं कान में, पर लेकिन अब बताते हैं दोस्तों आपको, अगर आपके कान में दर्द हो, भयानक दर्द हो रहा है, तो उसके कई कारण हैं। जैसे कि कान में फुंसी होना, चोट लगना, कीड़े मकोड़े कान में घुसना, मैल जमा होना, या कान में किसी भी प्रकार से पानी वगैरह फुंसी, इस प्रकार की समस्या होती है, उन कारणों से आपके कान में दर्द होता है। कभी कभी तो सर्दी लगने से भी मैल जमा होने से फुंसियाँ तक निकल आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अदरक का रस निकालें और उसको कपड़े से छान करके उसको हल्का हल्का गुनगुना गर्म करें, फिर इस रस को 3-4 बूंदें कान में डालें। इससे आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा और आपको जल्द आराम भी मिल जाता है। और इसी के साथ दूसरा हम तरीका और दे देते हैं आपको, एक नुस्खा और बता देते हैं। तुलसी या गेंदे की पत्तियों का रस भी अगर कान में आप डालते हैं, सिर्फ 2 बूंद, तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, आपके कान में पानी भर गया है, ठीक हो सकते हैं जैसे उपाय बताया, कान में दर्द है, आप इससे ठीक हो सकते हैं। तो इस उपाय से दोस्तों आपकी समस्या हल हो जाती है। हमें आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने लोगों को शेयर भी करते चलें। साथ ही हम नई जानकारी फिर आपके सामने को जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार, और हमें आशा है कि सभी लोग हमारे चैनल पर सभी तरह की जानकारी ले रहे, अनुभव कर रहे हैं, और उनके हम सभी के आभारी हैं। तो सभी को नमस्कार।